Ganpati Bappa! Arya! Mangal Murti! Arya! Ganpati Bappa! Arya! Mangal Murti! Arya! Moriya re Bappa! कहते हैं सच्चाई और भलाई का जमाना नहीं रहा, पर समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन बातों को बिल्कुल नहीं मानते। वो आज भी भलाई की राह अपनाते हैं, लेकिन कभी कभी उस राह पर भी कांटे बिछे होते हैं। बेटा बेटा क्या कर लिया बेटा, ये बेटा क्या हो मेरा बच्चा, आई किधर है? काका आई को मार दिया। क्या? नहीं काका, नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं काका। ठीक है बेटा, तू इधर ही रुक। हाँ नंबर लगा, पुलिस को बुलाओ। मैडम मैडम, मरने वाली औरत का नाम सरिता चौहान है, उम्र लगभग 30-32 साल की है। मैडम ये हमारा खबरी है राजेश चौहान, रिक्शा चलाता है, और उसकी बीवी घर के अगले वाले हिस्से में दुकान चलाती थी। दोपहर के वक्त दुकान बंद रहती थी। मारा कैसे? पेट में छुरे से वार करके। ये कौन है? मैडम ये पड़ोसी है, और उसके साथ जो बच्ची है वो राजेश चौहान की बेटी है। सबसे पहले उसने लाश को देखा था। आई आई मैडम, घर से कुछ पैसे भी चोरी हो गए हैं। कितने? मैडम चोरी की वजह से इसका मर्डर हुआ ये सुनकर राजेश काफी सदमे में, इसलिए कुछ बता नहीं पाया। रिका में इतने फिंगरप्रिंट्स गए थे? हाँ मैडम। राणा जिस हथियार से खून हुआ है वो हथियार मिला? हाँ मैडम। रिका में चाकू दो। मैडम ये देखिए, और मर्डर करने वाले ने ये चाकू बॉडी में ही छोड़ दिया था। इसकी बच्ची ने यह चाकू बाहर निकाला। ठीक है, बच्ची ये गलती से निकाल लिया होगा। एक काम करो राणे, पूरा घर छान मारो, शायद कोई सुराग मिल जाए। ओके मैडम।
ये मूर्ति उठाओ जरा, ये भी, ये धूल के निशान से तो साफ पता चलता है ये मूर्तियां काफी दिनों से हिली नहीं है। अगर खून लूटपाट या चोरी के मकसद से होता तो ये चांदी की मूर्तियां वो जरूर ले जाता, उसने तो इन्हें हाथ तक नहीं लगाया। मैडम ये भी तो हो सकता है कि वो यहाँ तक पहुंचा ही नहीं हो, किसी की आवाज सुनकर जो कुछ हाथ में लगा वो लेकर भाग गया होगा। हाँ हो सकता है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ओके मैम। चुप हो जा मेरा बेटा। तुम्हारा नाम? मनोहर शिंदे मैडम, मैं इधर बाजू में रहता हूँ। बेटा आप अपने पापा के पास जाओ। ये खून कहाँ से आया शर्ट पे? मैडम ये ईशा मेरे पास दौड़ कर आई, गले लगी तो उसका खून मेरे को लग गया। मैंने उसको पूछा ईशा क्या हुआ तेरी आई की तरह, तो बोलने लगी आई को मार दिया किसी ने। देखो ना मैडम, आप लोगों के लिए मैंने कितना काम किया, अब मालूम था कि एक दिन मेरे साथ ऐसा भी होगा। देखो घबराओ मत, जिसने भी खून किया है उसे सजा दिलवा कर रहेंगे हम। तुम बस अपना और अपनी बेटी का ख्याल रखना, और किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बताना, ठीक है? मैडम ये राजेश चव्हाण हमारा खबरी है, कई गुनहगारों को पकड़ने के लिए उसने हमारी मदद की है। मुझे लगता है कि किसी ने बदला लेने के लिए उसके बीबी को मारा हो। नहीं राणे, अगर उसे बदला लेना होता तो वो राजेश का खून करता, उसके बीवी का नहीं। एक काम करो, ये पड़ोसियों से पूछताछ करो और चेक करो ये सरिता कैसी औरत थी। ओके मैडम। मैडम ये पड़ोसी कुछ बताना चाहता है। बोला। मैडम एक दोपहर को 3:30 बजे की बात है, मैं सामान लेके घर पे जा रहा था, तभी मैंने एक औरत को सरिता ताई के घर से बाहर निकलते हुए देखा। अभी देख के चलना कौन सी गाड़ी छूटी जा रही तेरी। अभी मेरे को पता नहीं था ना कि ऐसे कुछ मतलब होने वाला है। थैंक यू, आपने जो कुछ भी देखा हमें बताया। अगर आप सब लोग इसी तरह आगे बढ़ के पुलिस की मदद करेंगे तो क्राइम रेट ऐसे ही कम हो जाएगा। हाँ मैडम। मैडम एक रिक्वेस्ट है। कहिए। मेरे घर पे गणपति बप्पा आए हैं, अगर आप सब लोग अगर आके दर्शन कर ले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। आप पड़ोसियों से पूछताछ करो, मैं बोलते हैं इंचिशी। ओके मैडम। माफ करा, बापा घर पे आए हैं लेकिन क्या करें, हमारी भी ड्यूटी है, आप लोगों से पूछताछ करनी है। हाँ मैडम पूछिए ना, पूछिए। ये सविता के और आपके घर के बीच बस ये एक ही दीवार है, तो कभी ऐसा कुछ सुना है जो रोजमर्रा से थोड़ा अलग है? हाँ सुना तो था, 2 बजे के आसपास कोई आदमी आया था और बहुत झगड़े की आवाज आ रही थी। कौन आदमी था ये तो नहीं पता मैडम, क्या है ना पापा घर पर आए हैं तो आज बहुत काम है, लेकिन हाँ राजेश भाऊ की तो आवाज नहीं थी, कोई आदमी था जो पैसों को लेकर झगड़ा कर रहा था। ये इस तरह के झगड़े पहले भी कभी हुए हैं क्या? मैडम रोज मचमच होती थी सरिता ताई और भाऊ के बीच में, और सरिता ताई को किसी के भी फटे में टांग डालने की आदत थी, और भाऊ को ये सब पसंद नहीं था मैडम। मतलब मैं समझा नहीं। मुसीबत में फंसने वाले आदमी को अपने जितना तकलीफ नहीं होता जितना सरिता ताई को होता था, सब भूल के उसकी मदद को जाती थी। काय तेरे को समाज सेवा का भूत सवार है, काय को मनोज और रामिया के बीच में पड़ती है। रात का 1:30 बजा है, पूरा मोहल्ला सोया हुआ है, कल सुबह बात करते हैं, खाना रखा है जाएंगे। मेरे को अभी बात करने का तेरे सो, मेरी नींद खराब करके तू चैन से सोएगी। मेरे को जो ठीक लगा मैंने वो किया। समझ जा, आखिरी बार समझा रहा हूँ, वरना तेरे इस हीरोपंती के चक्कर में लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं सिर्फ गलत बात के खिलाफ बोली, बाकी कुछ नहीं। क्या रे क्या हल्ला कर रहे हो, रात का 1:30 बज रहा है, तुमको सोने का नहीं तो दूसरे को तो सोने दो। अच्छा ये मनोज और राबिया कौन है? क्या बोलने का साहब, इधर अच्छी लोग के बस्ती में 2-4 बार वाली भी है, सरिता ताई हमेशा उनकी साइड लेती थी, जिस दिन झगड़ा हुआ मैं उधर ही थी उनकी दुकान पे, ये बार वाली में से ही एक का झगड़ा हुआ वो मनोज से। ताई मेरी अम्मी बहुत बीमार है ताई, ताई 100 का रिचार्ज कर देना, जैसे मेरा पैसा आएगा ना तुरंत वापस कर दूंगी मैं तुझे। जेवा तिल पैसे तब देना, हाँ ये ले कर ले। थैंक यू ताई, थैंक यू। ए दिखता नहीं है तेरे को, आंखें नहीं है क्या? अरे
इतना मासूम बन रही है जैसे किसी को पता ही नहीं तू बार वाली है। हा? हूँ मैं बार वाली, नाचती हूँ बार में, तेरे को क्या, तू कौन है? जब तेरे को तब कुत्ते की तरह जीभ निकाल के लड़कियों को ताड़ता रहता सारा दिन साला। उधर बार में ठुमका लगाती है और इधर सती सावित्री बन रही है तू। हाँ ज्यादा मत बोल समझा। ए, तू ज्यादा मत बोल, तू ज्यादा बोल रही है। बार वाले तो तेरे वास्ते खड़ी है, कौन मारे तेरे को? और तू क्या है, दूध का धुला हुआ है? सबको मालूम है सारा दिन लड़कियों का ताड़ता रहता है यहाँ। ए चुप बे ढीले, अपने औकात में रे। ए तू क्यों ज्यादा बोलती रे? तू मत बोल, चुप चुप कर। तुझे आई पापा ने हेड शिकोल लगा रे तुला, लड़के के साथ ऐसे बर्ताव करते हैं क्या? काकू तो मेरे को काय को बोल रही है, इस नाचने वाले की वजह से। नाच गाना करना भी एक काम होता है, पेट के लिए करती है वो, तेरे जैसा नहीं है, बाप का पैसा उड़ाते फिरती है। हां पूरा दिन गली मोहल्ले में माथी खात फिरते हो दिवस भर। ए बस जरा काकू, बापा रूम बोला इतने, मेरे बाप का पैसा है उसे उड़ाओ या आग लगाओ, तेरे को क्या करने का है? तू काय को बीच में बोल रही है? छोड़ ना ताई, क्यों इसके मुंह लगती है? कटारा साले का मुंह जब भी खोलेगा बासच मारेगा साला। ए तू मेरे को कटारा बोली? ये देखना मेरे को बोल रहे इसकी वजह से। ए मने जस्ट बोल छिला का थोपड़ फोड़ी ना का। मैडम मैं शाखा प्रमुख हूँ यहाँ का और गणपति मंडल का सेक्रेटरी भी हूँ। मैडम आप बस्ती वालों की बातों में मत आइएगा, ये कुछ भी बोलते हैं। सरिता ताई एक अच्छी और नेक औरत थी, अच्छों का अच्छा और बुराओं को बुरा बोलती थी, सबका चिंता करती थी। मैडम ये मनोज कहाँ रहता है? मैडम वो 15 नंबर की खोली में रहता है। और ये बार गर्ल रबिया? मैडम ये 7 नंबर की खोली में रहती है। हाँ मैडम वो दिन मनोज का झगड़ा मेरे साथ ही हुआ था और सरिता ताई भी बहुत बोली उसको मेरे साइड से। ए मनिया देख आज है ना, छोड़ेगी नहीं मैं तेरे को, पुलिस को बुलाएगी आज मैं, छोड़ेगी नहीं तेरे को। तुझे हिम्मत कैसे चली रही इसको हाथ लगाने की? फुल्ले सांड की तरह घूमता फिरता है, आज तो तेरी पूरी चर्बी उतार कर रहूंगी मैं, सब जाना देखना। सरिता सरिता छोड़ना, मैं माफी मांगती है रे इसकी तरफ से। ए आई तू काय को माफी मांग रही इससे? हां चुप बैठ रे। सरिता मैं क्या बोलती है देख, इसके आगे अगर कभी ऐसा किया ना मैं खुद तेरे को बोलेगी पुलिस को बुला बोल के। लेकिन आज माफ कर दे, मेरा इतना मान नहीं रखेगी तू? हां वो तो मनोज की अम्मी ने आकर के बड़ी मुश्किल से रोका है सरिता ताई को। देख ताई तू बोल रही है ना इसके लिए मैं इसको आज माफ कर रही है, लेकिन इसको थोड़ा समझा कि लड़कियों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, और अपनी ये जो अकड़ और घमंड है ना ये अपने घर पर छोड़ कर आने का। हाँ अकड़ तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, किसी को छोड़ेगा नहीं मैं। कितने दिन पहले हुआ झगड़ा? मैम यही कुछ 5-6 दिन पहले। और हाँ मैडम वो दिन से आते जाते बहुत खुन्नस दिया वो हम लोग। साहब मेरा मनोज ना आज ही इधर से गया, वो कल क्या है ना उसके दोस्त की शादी है। साहब वो सरिता ना कम नहीं थी, जबरदस्ती झगड़े में घुसी थी, बताओ अक्खा मोहल्ला हम लोग का वो बार वालियों से इतना तंग है ना, खाली वो सरिता को छोड़ के। क्या मालूम उसको वो बार वालियों से क्या हमदर्दी है, खुद का चाल चलन ठीक नहीं होगा ना इसके लिए इतनी हमदर्दी है। चाल चलन ठीक नहीं है मतलब? अभी साहब आदमी तो निकल गया एक बार काम के लिए तो सीधा रात में आता था, दिन भर वो मनोहर के साथ में क्या मालूम क्या गप्पे मारती थी कि दोनों का कुछ और भी था। अभी साहब वो मनोहर तो ठहरा अकेला आदमी, उसके आगे ना बीवी ना बच्चा, पर ये सरिता को सोचना चाहिए ना, सारा दिन उसके साथ दांत फाड़ती रहती थी। हमारे लिए तो सगिता ही जैसी थी मैडम, बहुत अच्छी थी वो। खाली उसको ही तो हमारा दुख समझता था मैडम, कि हम लोग ये अपनी मर्जी से नहीं मजबूरी में अपना पेट पालने के लिए करते हैं। वो तो राजेश भाव को भी बोलती थी हम लोग का ख्याल रखने के लिए। हाँ मैडम कभी कभी जब हम लोग को बहुत देर हो जाती थी तो राजेश भाई या उनका दोस्त अपने रिक्शा से हमें बाहर से घर तक छोड़ते थे, बहुत प्यार करती थी हमसे। पर सबसे ज्यादा मेरे को चाहती थी, मैं जो कहता था मेरे को लाके देती थी। गुल्ली भाई ये पकड़ एक मिनट, वो तू तेरे लिए बिंदी मंगाया था ना। हाँ। ये ले तेरे लिए। थैंक यू ताई। कैसा है? बहुत सुंदर है। मैं कैसी लग रही है? अच्छा मगर लड़का ही लग रहा है ताई, लड़की भी लगूंगी। एक बार मैं वो सेक्स चेंज का ऑपरेशन कराऊं ना उसके बाद तू भी नहीं पहचान पाएगी कि लड़की है लड़का। मिस इंडिया लगूंगी एकदम, मिस इंडिया। पागल है बिल्कुल तू। पर फिर हम लोगों का दर्द कौन समझता है मैडम, तो सरिता ताई समझी, तो मेरे को प्यार दी, तो समझी कि मैं लड़का या लड़की होने से पहले एक इंसान है मैडम, इंसान। मेरे सीने में भी दिल है जो धड़कता है, जिसमें फीलिंग्स है मैडम, मुझे भी छोटी से छोटी बात पे ठेस पहुंच सकती है। ठीक है समझ गई मैं, आप लोगों को अगर कोई भी बात याद आती है
तो बेझिझक पुलिस स्टेशन आकर बता सकते हैं। हो सकता है आप लोगों की कोई भी भूली बात हम लोगों को कातिल तक पहुंचा सकती है। ठीक है मैडम। मैडम ये मनोज का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है, हो सकता है कि उसकी माँ ने हमें झूठ बोला हो मनोहर और सरिता के अफेयर के बारे में, ताकि हम गुमराह हो जाए और मनोज को भूल जाए। हो सकता है, लेकिन हमें क्रॉस चेक तो करना पड़ेगा। राणे एक काम करो, ये मनोहर को और राजेश को पुलिस स्टेशन बुलवाओ और राजेश से कहना अपनी बेटी को साथ में लेके आए। ओके मैडम। ये सरिता का कॉल रिकॉर्ड मंगवाओ, मनोज का नंबर भी ट्रेस करो, देखते कब तक बचता है हमसे। नेकी कर दरिया में डाल, इस कहावत को एकदम पलट दिया गया है और बड़ी बात नहीं होगी अगर आज के जमाने में नेकी करने वाले को ही दरिया में डाल दिया जाए, उसे मुसीबत समझा जाए। कम से कम सरिता के केस में तो यही देखने को मिल रहा था, ना सिर्फ पूरा मोहल्ला बल्कि उसका पति भी उसका विरोध कर रहा था। क्या सरिता की नेकी ही उसे ले डूबी थी? क्या वाकई में बार गर्ल्स के दुख दर्द को समझने की कोशिश नहीं उसकी जान ली थी, या ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू था जो नजर के सामने था और असली वजह सिक्के की दूसरी तरफ थी? क्या कुछ और ही था सरिता के कत्ल का सच? राणे डेढ़ दिन का गणपति विसर्जन है तो ज्यादा भीड़ नहीं होगी, फिर भी सावधानी बरतो। आधा रोड ट्रैफिक के लिए रखो, आधा रोड विसर्जन के लिए रखो। कहीं पर भी कोई भी कार्यवाही करने की जरूरत पड़े तो लोगों के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखो। हाँ तुम यही बैठो, पाटिल मैडम मुनी लगे ना आती है, और वो एनजीओ वाली मैडम को भी अंदर भेजो। चलो ये लो आपके लिए चॉकलेट। अच्छा बेटा अभी हमें ये बताओ, आपके आई बाबा के बीच में कभी झगड़ा होता था? मेरे को अभी बात करने का, तेरे से आखिरी बार समझा रहा हूँ, समझ जा। तो बाबा मारते थे आई को? बेटा ये मनोहर काका कैसे काका है, अच्छे काका या बुरे काका? बहुत अच्छे, मेरे लिए चॉकलेट भी लाते हैं, मुझे और आई को बहुत हंसाते भी हैं। तो ये मनोहर काका जब बाबा नहीं रहते तब भी आते हैं? राणे बेटा ये आपकी हैंडराइटिंग है, ये नंबर आपने क्यों लिखा था? आपको पता है किसका नंबर है ये? एक दिन एक फोन आया था, आई बहुत डर गई थी, आई बहुत रो रही थी। नहीं नहीं मुझे पता नहीं, हाँ लेकिन वो मैं नहीं बाबा, मुझे हाँ देख मैं तेरे से बाद में बात करती है। हाँ बाबा को देने के लिए लिखा था, फिर मैं खेलने गई और भूल गई। ठीक है जाओ बेटा, आप अपने बाबा के पास जाओ, आप भी जा सकती हैं। राणे पता करो ये नंबर किसका है और वो मनोहर को बुलाओ। ओके मैम। ऐसा कुछ नहीं चल रहा था मैडम, राजेश को तो भाव बोलता है मैं, तो सरिता मेरी भाभी हुई ना, सरिता भाभी और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा था मैडम। सब लोग सरिता को ताई बोलते थे, तू अकेला उसको भाभी बोलता था ना। काम क्या करता है रे तू? साहब वो आइसक्रीम की फैक्ट्री में काम करता है, मैं कभी कभी शाखा का काम भी संभालता, मेरी शाम की शिफ्ट होती है साहब, तो दोपहर में कभी कभी ईशा आती थी खोली पे, यानी मैं भी उनके घर पर जाता था चाय पानी को। माँ कसम पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। फोन दे। क्या हो मैडम? फोन दे, देखने दे सरिता का नंबर क्या नाम से सेव किया है। ये क्या है? ये फोटो ईशा ने निकाला था मैडम, उसने सेव किया था फोन में। सरिता को भाभी बुलाता था ना, तो उसका नंबर सिर्फ सरिता नाम से क्यों सेव है? मैडम वो मैं मैडम वो जो बच्ची ने नंबर नोट किया था उसका पता चल गया है, उसका कॉल लोकेशन चाहत बार पता रहा। निकल
और शहर से बाहर जाने की कोशिश मत करना, समझा ना? निकल अभी। मैडम सरिता को तो बारगल से सिंपथी थी, तो उनके फोन से वो रोएगी क्यों? ताने ये भी हो सकता है चाहत बार में से कोई बारगल ने नहीं किसी और ने फोन किया। सेठ को बोल मेरी पगार से काट लेगा, लेकिन पैसा दे मेरे को अभी। एक बार नहीं बोला मतलब नहीं, चल जा अभी। मेरे को पैसा चाहिए बस, मेरे को चाहिए तो चाहिए बस। क्या प्रॉब्लम है क्या? सलाम मैडम। सलाम सर। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों का तो ये रोज का है। आप लोग इधर कैसे? तेरे से मिलने नहीं आए, तेरे मैनेजर से बात करने हैं। चल निकल तू। ठीक है, सलाम। हमें तुम्हारे बार के 5 सितंबर के शाम के 4 और 5 के बीच में के सीसीटीवी में फुटेज देखने हैं। जी हां। आई ये कौन है, क्या नाम है इसका? मैडम इसका नाम खुशबू है, ये विजयनगर में रहती है। क्या ये खुशबू राबिया सबा और गोल्डी के साथ रहती है? नहीं साहब, पर उसी एरिया में रहती है, अलग रूम लेके। बुलाओ जरा इसे। मैडम ये तो आज काम पे नहीं आई, इसका फोन आया था कि 2-3 दिन काम पे नहीं आएगी। राणे घर से उठा लाओ इसे, देखते किस बात की छुट्टी मना रही है। पाँच सितंबर को शाम 4 बजे तुमने सरिता को फ़ोन किया था? हाँ मैडम, मैं सरिता ताई को फ़ोन की थी, वो मेरे को दूसरा कोली पे शिफ्ट करने का था ना मैडम, इसलिए। और आपको तो मालूम ही है ना, हम जैसे लोगों को कोई भाड़े पे कमरा नहीं देता है, इसीलिए फ़ोन किया था। और जब फ़ोन किया था तो सरिता ताई थोड़ी परेशान सी लग रही थी। मेरे को ना खोली ढूँढने का है, तो आपका मदद का ज़रूरत पड़ेगा। देख मैं तेरे से बाद में बात करती है। हाँ तुम्हारी माँ और बहन कहाँ है? अम्मी तो घर पे होती है और छोटी बहन कॉलेज जाती है। कल तुम काम पर क्यों नहीं गई थी? वो साहब थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो तुम्हारे कान को क्या हुआ है? कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं, बस ओढ़नी बाजू लगा जरा। बोलो। वो मैडम उस दिन जरी वाला दुपट्टा पहना था ना, तो इस वजह से अटक गया था, तो थोड़ा सा कट गया है। अब डॉक्टर को दिखा दिया था मैंने, बस 2-4 दिन पट्टी लगेगी और फिर ऐसे पट्टी में मैं बाद में कैसे नाचेगी मैडम। किस डॉक्टर से करवाई है पट्टी? वो मेरे घर के बाजू में ही है अस्पताल, वहाँ से। रानी ये खुशबू के घर के पास वाले क्लिनिक से पता करो कि वो वहाँ वाकई गई थी या नहीं गई थी। और हाँ ये फोरेंसिक लैब से रिपोर्ट मंगवाओ तुरंत, हो सकता है सरिता के कपड़ों पर उसके खून के अलावा किसी और का भी खून मिले। जगदीश का कहना था कि सरिता के घर से कोई लड़की मुँह ढक कर निकली थी। इसका मतलब है वो लड़की खुशबू है? मे बी, क्योंकि उसने जो कान फटने का बहाना किया है उस पर थोड़ा शक हो रहा है मुझे। मैडम ये रहे सरिता के कॉल रिकॉर्ड्स, इसके मुताबिक खुशबू का कॉल लगभग 34 सेकंड का था, मतलब खुशबू ने जो हमें कहा वो सही था। और ईशा के मुताबिक कॉल काफी लंबा था। इसका मतलब है रानी ये सरिता खुशबू के कॉल के वजह से नहीं, बल्कि उसके पहले जो कॉल आई थी उसके वजह से रोई है, क्योंकि ये कॉल कुछ 1-2 मिनट का नहीं पूरे 12 मिनट का है। और ईशा ने हमें बताया भी था कि सरिता बात करते हुए अंदर चली गई थी। पॉसिबल है कि सरिता ने वो कॉल अंदर जाने के बाद कट किया हो और बाहर आते समय वो खुशबू के साथ बात कर रही हो, ईशा ने वही लंबा कॉल समझकर ये नंबर नोट किया हो। राणे पता करो खुशबू से पहले किसने कॉल किया था और मनोज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलते ही मुझे बताओ। ओके मैडम। हाँ पहले मेरी बात तो सुन।
ज्यादा घाई मत कर, सुनना। अरे हड़बड़ी किया ना सब बिगड़ जाएगा। हेलो, अरे सुन बाबा, आप मेरे लिए दूसरी आई ला रहे हो? मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सरिता का खून दोपहर 1 से 4 बजे के बीच में हुआ, और सरिता के अलावा उसके कपड़ों पर और किसी का खून नहीं मिला। रिका, मैंने उस हॉस्पिटल में पूछताछ की तो डॉक्टर का कहना है कि खुशबू वहाँ गई थी पट्टी करवाने के लिए। और उस कॉल के बारे में पता चला जो खुशबू से पहले सरिता को आया था? हाँ मैडम, वो नंबर कोल्हापुर से किसी सरजेराव देशमुख का था। सरजेराव देशमुख? मैडम, उसके बाप के मौत की खबर देने के लिए मैंने ही फोन लगाया था, वो भी मौत के एक दिन बाद। मैंने खुद को बहुत रोका, लेकिन मरने की खबर तो देनी थी, आखिर बाप होता तो तिचा। और प्रॉपर्टी के पेपर पे मेरे को साइन भी चाहिए था ना। 17 तारीख को सरिता क्या क्यों गया था तू? जी मैं नहीं गया था उसके घर। 10 साल हो गया मेरी शादी को, कभी पूछने को नहीं आया जिंदा है के मर गई, और अब जब काम आया तो साइन लेने को आ गया। हा? नहीं करेगी मैं साइन। एक तो खानदान की नाक कटवाई, ऊपर से मेरे को सुना रही है। ये तो मेरी मजबूरी है, वरना तुम्हारा मजबूरी है, मेरा कोई मजबूरी नहीं। नहीं करेगी मैं दस्तखत। 10 साल हुआ तेरे को मिलके, आप भी वैसी है, जरा भी चर्बी कम नहीं हुई तेरी, बहुत आकड़ है ना तुझमें, अपने पति को पूछ। देखो उनका नाम नहीं लेने का बीच में, तुम्हारे घर पे नहीं आते खाने को। कैसे नहीं खाया, पूरा 2 लाख लिया मेरे से, तेरा साइन मुझे देने को। झूठ बोलते हो तुम, मेरे को मालूम है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। मैडम वो सरजेराव झूठ बोल रहा है, 10 साल से मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी, अभी वो मेरे किधर मिलेगा भी तो मैं उसको पहचान भी नहीं पाऊंगा। और मैडम अभी मुझे आपसे मालूम पड़ा कि सरिता का बाप ऑफ हो गया करके। क्यों, सरिता ने नहीं बताया तुम्हें? नहीं बताया ना मैडम, पता नहीं मेरे क्यों नहीं बोली। और मैडम वो प्रॉपर्टी के 2 लाख रुपए के बारे में मेरे कुछ भी नहीं पता, माँ कसम। मैडम इन दोनों में से पक्का कोई ना कोई तो एक झूठ बोल रहा है, आपको क्या लगता है ये सरजेराव ने राजेश को साइन करने के 2 लाख रुपए दिए होंगे? ये राजेश के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाओ, सारी बात साफ हो जाएगी। अगर राजेश की एक बार भी सरजेराव से बात हुई है तो ये राजेश झूठ बोल रहा है, और अगर नहीं हुई है तो सरजेराव झूठ बोल रहा है। मैम, मनोज शर्मा का फोन वसई में ऑन हुआ है, उठा लो उसे। सभी लोग बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया, लेकिन जो सच में कुछ नहीं करते ना वैसे पुलिस से भागते नहीं है। सब कौन बना में भागा था? मैं दोस्त के शादी में गया था। शादी में गया था कि दहेज में गया था? वहाँ का होकर रह गया तू? नहीं मैम, दोस्त लोग बोले कि आज रुक जा पार्टी करेंगे, इसीलिए फोन भी बंद रखा था ताकि पुलिस डिस्टर्ब नहीं करे पार्टी में तुझे। नहीं मैडम, वो चार्जर लेना भूल गया था ना, इसलिए फोन स्विच ऑफ हुआ। ये बता, सरिता के साथ झगड़ा हुआ था ना तेरा, और तू ये बोला था कि छोड़ेगा नहीं, यहाँ मातम फैला नहीं तो तू शादी में नाचने गया हा? ताकि पुलिस को शक नहीं हो तुझ पे। नहीं मैडम, वो झगड़ा तो सरिता काकू मरने से पहले हुआ था, मैं वो झगड़ा बिगड़ा सब कुछ भूल गया था, बस वो काकी नहीं भूली थी। वो नहीं भूली थी मतलब? मतलब मैं वो काकी के दुकान पे गया था 17 तारीख को ये बताने के लिए, वो जिन लड़कियों का साइड लेते ना बार वालियों का, वही उसका घर तोड़ेगी, उसमें से एक उसके पति के साथ मजा करती है। तुझे कैसे पता है सब? मैडम मैं एक बार लेट नाइट शो देख के घर पे आ रहा था, तभी रिक्शा में से किसी लड़की के हंसी की आवाज आ गई, मैंने जाके देखा तो राजेश काका उसके साथ मस्ती कर रहा था। खुशबू? हाँ साहब, वही बाल गर्ल खुशबू, वही थी वो। मैंने दोस्तों को भी बताया ये बात, उन्होंने मुझे उल्टा बताया कि उन्होंने पहले ही देखा है उनको 3-4 बार रात में। साहब आप अभी बताओ कि 1 बजे बार बंद होता है, रात को 3-4 बजे वो राजेश काका के साथ क्या कर रही थी? मैडम राजेश फरार है। What? गणपति विसर्जन के वजह से मैं पूरी रात उसी के एरिया में ड्यूटी पर था, उस दरमियान लगभग 5 बार मैं उसके घर पर गया, आखिर में सुबह 5 बजे मैं उसके घर पर जाने के बाद देखा तब तक वो घर पर भी नहीं लौटा था। उसकी बेटी ईशा कहाँ है? वो मनोहर के घर पर है। इसका मतलब सरजेराव सच बोल रहा था कि राजेश को उसने 2 लाख रुपए देकर साइन किया है,
इसी डर के वजह से राजेश भाग गया। रानी हो सकता है ये खुशबू भी राजेश के साथ भाग गई हो। नहीं मैडम, वो यही है। हमारा कांस्टेबल उसके घर पर तैनात है। उसने बताया कि खुशबू लगभग रात को 1:30 बजे घर पर आई थी, लेकिन राजेश के रिक्शा से नहीं। मैडम, हमारा कांस्टेबल अभी भी खुशबू के घर के बाहर ही है। रानी, ये सब उलझता जा रहा है और इसे सुलझाने के लिए हमें शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। काम करो रानी, तुम वो क्लिनिक जाओ जहाँ से खुशबू ने अपना कान सिलवाया था, और वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में वो ऑटो का नंबर ढूंढने की कोशिश करो जिससे खुशबू वहाँ आई थी। ओके मैडम। शिंदे, खुशबू और राजेश के कॉल रिकॉर्ड्स लेके आओ जल्दी। एक मिनट रुका, इस नंबर पर जरा जूम करना। रिक पे सर ये नंबर नोट कर लो। जरा जी सर। इस लड़की को तूने छोड़ा था? जी हाँ साहब। कहाँ से लिया था उसे? साहब वो विजयनगर से। सर पे दुपट्टा ओढ़ के बैठी थी साहब। मैंने उसको पूछा भी क्या हुआ तो उसने अपना फटा हुआ कान दिखाया। फिर मैंने अपना रिक्शा भगाया साहब और उसे दवाखाने छोड़ दिया। हमें लेकर चल जहाँ से तूने उसे लिया था। ठीक है साहब। मैम, राजेश और खुशबू के कॉल रिकॉर्ड्स, दोनों के बीच में आउटगोइंग और इनकमिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन इस एक नंबर पे तो काफी कॉल किए खुशबू ने। पता करो ये नंबर किसका है। यस मैम। एक मिनट रुको, ये खुशबू का घर है क्या? उसने यहीं से रिक्शा ली थी? नहीं साहब, वहां से रिक्शा ली थी वो उधर से, और वो घर से निकली थी, वो रास्ते में किसी से टकराई भी थी, फिर मेरे को आवाज दी, फिर वहीं से रिक्शा पकड़ी। मैडम, वो नंबर किसी मयंक चौबे के नाम पे रजिस्टर है, और मयंक चौबे और खुशबू इनका एड्रेस भी सेम है। हो सकता है ये दोनों बहनें हो। हाँ राणे बोला। मैडम, ऑटो ड्राइवर ने कंफर्म किया है कि खुशबू उस दिन सरिता के ही घर से निकली थी, और हमारा कांस्टेबल जो खुशबू के ऊपर नजर रखे हुए था उसने कहा है कि खुशबू अभी अभी मैटरनिटी क्लिनिक गई है। पता करो वहाँ क्यों गई है वो। नमस्कार मैडम। नमस्कार। क्या आपके यहाँ पर कोई खुशबू नाम की लड़की मिलने के लिए आई थी? जी हाँ आई थी। मैं उसके पेपर देख सकता हूँ? श्योर। वो लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट है। यहाँ पर बच्चे के बाप का नाम नहीं लिखा है। सर मुझे लगता है उस लड़की की शादी नहीं हुई हो, और अब तो बाप का नाम देना भी जरूरी नहीं है। क्या वो एबॉर्शन करने के लिए आई थी? जी नहीं, रूटीन चेकअप के लिए। डांस बार दोपहर में भी चालू रहते हैं? हाँ साहब, लंच में भी लोगों को भूख लगती है तो आ जाते हैं डांस देखने। अच्छा, ये तुम्हारे बार में एक लड़की काम करती है खुशबू, उसका किसी के साथ लफड़ा है? नहीं साहब, हम में से तो ऐसा किसी को नहीं मालूम। अरे सुनो, यहाँ ये खुशबू का किसी के साथ लफड़ा है क्या? इन्हें तो कुछ नहीं पता, लेकिन तुम लोग एक साथ काम करते हो, एक ही बस्ती में रहते हो, तुम्हें तो पता होगा। कैसा मालूम होगा साहब, वो इधर किसी के साथ मिक्स नहीं होती। गोल्डी को मालूम होगा, गोल्डी की और खुशबू की आपस में अच्छी जनती थी। गोल्डी, बुलाओ उसे। साहब वो तो छुट्टी पे है, वो नहीं मिलेगा इधर। हाँ बोल रहा था कि कोई तो उसका ऑपरेशन होने वाला है। अच्छा, किसी के साथ भी उसका कुछ कॉन्टेक्ट होता है तो उसे बोला पुलिस स्टेशन आए, ठीक है? पुलिस के शक की सुई राजेश और खुशबू पर आकर रुक गई थी। इन दोनों के पास ही सरिता चव्हाण के कत्ल का मकसद था। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक राजेश और खुशबू का अफेयर था। खुशबू मां बनने वाली थी और इन दोनों को एक होने से रोकने में सिर्फ सरिता ही एक रोड़ा थी। पर जैसे ही राजेश को पता चला कि सरजे राव से लिए 2 लाख की भनक पुलिस को लग चुकी है, वो फरार हो गया था। पुलिस की इस थ्योरी में कितना दम था ये कहना मुश्किल था, क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं लगा था। चली गई कल से, बाबा भी घर पे नहीं आए, कहाँ है वो? बेटा हम भी उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। काका आप उनको बता देना कि मैं उनका घर पे इंतजार कर रही हूँ। कैसे कुछ पता चलेगा ना,
हम उन्हें जरूर बता देंगे। पुराने मैडम, खुशबू को लेके आओ। आप क्या क्या खुशबू ने? वो तुम्हें हम अभी नहीं बता सकते। हाँ मैडम, मैं गई थी सरिता ताई से मिलने, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा मैडम। मारने नहीं गई थी तो क्या ये बताने गई थी कि तुम्हारा उसके पति के साथ चक्कर चल रहा है? हाँ मैडम, यही बताने गई थी मैं वहाँ पे, और ये भी कि मैं राजेश के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लेकिन जब राजेश ने मुझे बोला कि ये बच्चा गिरा दो, तो मैं सरिता ताई के पास ये सोच के गई कि वो मेरे बच्चे को अपना लेगी। लेकिन लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो ताई, ताई सोची मैडम कैसा कुछ होगा करके। तुम्हारा और राजेश का अफेयर था ना, फोन तो करती होगी तुम उसे, कौन से नंबर पर फोन करती थी? 444-14245। इस नंबर पर? ये मेरी बहन महक का नंबर है, फिर राजेश ने ले लिया था, उसके बाद फिर खुद यूज करने लग गया। रानी, ये महक के नंबर पर राजेश को ट्रेस करो, अभी वो हमें कंफर्म मिलेगा। ओके मैम। मैडम, देखकर तो यही लगता है कि ये प्लान मर्डर नहीं है, किसी ने राजेश को यहाँ पर बुलाया मिलने के लिए और फिर उसे मार डाला। ये पत्थर राजेश के सर में डालकर उसे मारा गया है। और कुछ एविडेंस? हाँ मैडम, ये राजेश की रिक्शा के पास एक कान की बाली मिली। मैडम, मुझे लगता है कि खुशबू ने राजेश को मारा है। नहीं रानी, सरिता को मारकर खुशबू को फायदा हो सकता है, लेकिन राजेश को मारकर कोई फायदा नहीं। और वैसे भी अपने सब कांस्टेबल 24 घंटे उस पर नजर रखे हुए, वो कैसे और कहाँ यहाँ आके उसका खून करेगी? मैडम, राजेश के दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड मेल पर आ गए। ये एक नंबर पे तो राजेश ने पिछले महीने 28 तारीख से लेकर ये महीने की 15 तारीख तक काफी फोन किए। किसका नंबर है ये? मैडम, ये तो सर्जेराव का नंबर है। तो इसका मतलब है राजेश और सर्जेराव के बीच में बात होती थी, तो सर्जेराव सच बोल रहा था, उसने राजेश को 2 लाख रुपए दिए थे। और मैडम, सरिता के मर्डर के वक्त उनके घर से चोरी भी हुई थी। रानी, इसका मतलब ये दोनों खून उसी 2 लाख रुपए के लिए हुए हैं। पता करो वो कौन इंसान है जिसको पैसों की इतनी जरूरत है कि उसने उसके लिए 2-2 खून तक कर दिए। यस सर, वो पेशेंट वार्ड नंबर 17 में एडमिट है। अरे साहब, आप यहाँ? अब तेरा ऑपरेशन हम करेंगे, और तू सोच भी नहीं सकता कि हम तुझे क्या बनाने वाले। रेखा में सर, क्या सब पर चल। मैं बताती मैं हाँ, मैं ही मारी वो राजेश को। वो एक नंबर का चैप्टर आदमी था, बोले तो धोखेबाज कमीना आदमी। क्या धोखा दिया उसने तुझे? मैडम, वो राजेश मेरे को सरिता ताई को मारने के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी दिया था। बोला सरिता ताई को मारने के बाद कबाड़ में पैसा रखा होगा, वो ले जाना। गोल्डी, गोल्डी भाई, मैं ऊपर हूँ। गोल्डी कहाँ गया? गोल्डी, साहब उधर 1 रुपया नहीं था। मैडम, वो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मैं बोली चल आज नहीं तो कल दे ही देगा, कहाँ जाएगा।
पर रोज आजकल आजकल करके घुमाने लगा। ज्यादा घाई मत कर, अरे हड़बड़ी किया ना सब बिगड़ जाएगा। और फिर वो एक दिन खुशबू आके बोली, ये राजेश उसको विरार में खोले दिला रहा है। मेरा अंदर से खून खोल गया मैडम। ज्यादा बकबक मत कर, तेरा पैसा लेके मैं भाग नहीं जा रहा किधर, समझे? मेरा थोड़ा टाइम चाहिए। पर कब देगा? पुलिस मेरे को लेके जाएगी तभी देगा। तू टेंशन मत ले, पुलिस आएगी ना तो खुशबू को लेके जाएगी। खुशबू को कहीं को लेके जाएगी? ये देख, उषाणी आई थी वहां पे जब तू सरता के मार के गया ना वहां से, उसके बाद। और पुलिस मेरे पे शक करेगी ना तो मैं बोल देगा कि मेरे को वहीं पड़ा मिला। बहुत ही चैप्टर आदमी निकला रे तू। पर तू ये सोचा कि अगर मैं पुलिस के पास जाके बोली तो? मैं पुलिस का खबरी हूँ, एक बार बोल दिया ना कि सुपारी खुशबू ने दिया था तेरे को, तो तू तो बस गया अंदर। इसलिए मेरे को काम धंधा करने दे, शांति रख, तेरा पैसा मैं दे दूंगा। चल इधर से भाग निकल। साहब मेरे को सरिता ताई को नहीं मारने का था, मेरे को ऑपरेशन कराना था, पैसे का जरूरत था। मैं बहुत मजबूर हो गई थी साहब, मैं बहुत मजबूर हो गई थी। राजेश ने क्यों मरवाया सरिता को? राजेश सरिता ताई की रोज झगड़ा मोल लेने की आदत से बहुत परेशान रहता था, और उधर वो खुशबू भी पेट से हो गई थी, दिन रात उसका कान खाती थी। इसलिए राजेश ने सोचा कि सरिता ताई जैसी मुसीबत के साथ रहने से अच्छा है वो खुशबू के साथ रहे। इसलिए सरिता ताई को मारने के लिए मुझे सुपारी दी उसने। उसने सुपारी दी और तूने ले ली, पुलिस को बताने के बजाय जान से मार डाला उसको। उस दिन तो बड़े फिल्मी डायलॉग मार रहा था तू, दिल जज्बात और क्या क्या, उसे जान से मारते वक्त जमीर नहीं रोया तेरा? जिस औरत ने इतना प्यार दिया तुझे उसे जान से मार डाला, तेरे जैसे इंसान के साथ तो धोखा होना ही चाहिए। धोखे की गुंजाइश वही होती है जहां विश्वास होता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, आंख मूंद कर विश्वास करना जरूर गलत है, और इसी गलती की सजा सरिता को भुगतनी पड़ी। उसकी जान एक ऐसे आदमी ने ली जिसे वो बराबरी प्यार और सम्मान देना चाहती थी। गोल्डी के एक निर्जीव से सपने ने एक सजीव की हत्या कर दी थी। गोल्डी को सरिता और राजेश चव्हाण के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। ईशा का अपने पिता के लिए इंतजार अब कभी खत्म नहीं होगा। ये बेहद जरूरी है कि हम अपने सपनों और अपने लालच के बीच में फर्क करना सीखें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.